राधे राधे आप सभी साथियों को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम जानेंगे घर की सुख समृद्धि और रोग से बचने के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो होलिका दहन पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्यौहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरम्भ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के 1 दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फागुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व है। होलिका दहन के दिन कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए, अन्यथा जहां एक ओर धन धान्य की हानि होती है वहीं घर में रोग भी आते हैं, कष्ट आते हैं। तो आइए ज्योतिषाचार्य इसे जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस दिन बिल्कुल ना करें। इसमें आता है मांस मदिरा का सेवन। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, इसीलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसीलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है, इसलिए ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही इस दिन चाहे कोई भी हो, किसी को भी इस दिन पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है, तो इस दिन किसी को भी ना पैसे दें और ना ही किसी से पैसे लें। इसके साथ ही इस दिन दूसरों के घर भोजन भी नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन जहाँ तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन अपने बालों को बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं, इसीलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल खुले ना छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने बालों को बांध कर ही इस दिन रखें। इसके साथ ही बुजुर्गों का अपमान भी ना करें। घर के बड़े हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है, खासतौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है, अतः पूजा के बाद अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता जो भी हों उन सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपमान करने की तो भूल बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही जो नवविवाहिता है उनको अपने ससुराल की जलती होलिका नहीं देखनी चाहिए। मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी वजह से ससुराल में ही रहें तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है, इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दर्द आता है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो होलिका दहन की परिक्रमा ना करें। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि होलिका दहन के दिन उस आग के आसपास गर्भवती स्त्री को जाना भी नहीं चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इन सब कार्यों
के साथ ही साथ इस दिन लड़ाई झगड़ा भी ना करें। होली का त्यौहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है, तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि होलिका दहन के दिन इनमें से किसी भी काम को आपको किसी भी स्थिति में नहीं करना है, ताकि आपके परिवार में हंसी खुशी, सुख शांति, धन माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसके लिए होलिका दहन के दिन ये काम बिल्कुल भी ना करें। आप और आपके पूरे परिवार को होली के पर्व की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। इसी के साथ आपसे अब इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। होली का पर्व इन्जॉय करें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। हैप्पी होली, शुभ होली।